हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग इन एक्सेल की सीरीज के अंदर आज हम सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू विद एनुअल डिपॉजिट। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यू इंटेंड टू ओपन ए सेविंग अकाउंट, योर इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000 टूडे विल बी फॉलोड बाय ए सिमिलर डिपॉजिट। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलर डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स सेकेंड, थर्ड, नाइन्थ, टेंथ, मतलब मुझे 10 ईयर्स तक लगातार बिगिनिंग ऑफ ईयर एक अमाउंट डिपॉजिट करती हूं मैं, कितनी 1000। इफ द अकाउंट अर्न्स 10% पर ईयर, हाउ मच विल यू हैव इन द अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ 11th ईयर। या अगर हम इस क्वेश्चन को मैनुअल करते हैं तो हमें एक बात समझने की जरूरत है, जो मैंने फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में 1000 डिपॉजिट कराए, उस 1000 पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10 ईयर्स का, और जो मैंने सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में कराई उस पर मुझे मिलेगा 9 ईयर्स का, और जो मैंने लास्ट 10 ईयर की बिगिनिंग में कराए थे मुझे मिलेगा 1 ईयर का। तो इन सब अमाउंट्स को अगर मैं प्लस कर देती हूं तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी टोटल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर। फ्रेंड्स, इसको एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं आइए समझते हैं। मेरे पास ये स्टेटमेंट, इंटरेस्ट 10%, एनुअल डिपॉजिट ₹1000, मे टुडे, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, एंड एट द बिगनिंग ऑफ ईच नेक्स्ट 9 ईयर्स, मीन से मैंने डिपॉजिट टोटल 10 ईयर्स तक किए हैं और हर साल मैंने बिगनिंग में किया है। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स होगी 10। हमारे पास कुछ कॉलम मैंने रेडी किए हैं, ईयर है, अकाउंट बैलेंस बिगनिंग ऑफ ईयर, डिपॉजिट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, टोटल इन अकाउंट एंड ऑफ द ईयर। फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास अभी फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में जो अमाउंट है वो क्या है, 0 है। चलते हैं, इस ईयर की फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितने डिपॉजिट की, 1000। 1000 डिपॉजिट करने पर जो उस पर इंटरेस्ट आएगा, मैं एक ऐसा कॉमन फॉर्मूला अप्लाई करूंगी जो आगे अगर मैं उनको कॉपी पेस्ट करती हूं तो आगे भी वो काम आ जाए। जैसे यहां पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा किस पर, इन दोनों अमाउंट्स पर जो मेरा बिगनिंग में होगा, या तो बाय चांस फर्स्ट ईयर है और जो मैंने डिपॉजिट किया, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट पर। मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम 1+, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जगह लिखा है तो मैं इसको एब्सोल्यूट कर देती हूं। एब्सोल्यूट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से मैं प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देती हूं। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी, जो बिगिनिंग में है, प्लस जो मैंने इस साल डिपॉजिट कराई। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया ₹100 टोटल इन अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। मेरे पास जो टोटल अमाउंट होगा, जो बिगिनिंग में था, प्लस जो मैंने इस साल डिपॉजिट कराया, प्लस जो मुझे इंटरेस्ट मिला, और हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आ गया ₹1100। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है, ये अमाउंट मेरी अगले साल का सेकेंड ईयर की ओपनिंग अमाउंट बन जाएगी। तो मैं इस सेल का रेफरेंस ले लेती हूं और मैं एंटर करती हूं, तो ये 1100 आ गया। आगे के ईयर्स में मेरा जो डिपॉजिट रहेगा वो हर साल 1000 रहेगा, मैं इस 1000 को कॉपी पेस्ट कर देती हूं आगे के सेल्स में, तो ये मैंने 1000 को फ्लैश फिल की हेल्प से कॉपी पेस्ट कर दिया। यहां पर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी मैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ फिल हैंडल की हेल्प से। तो ये देखिए, मैं फिल हैंडल की हेल्प से सेम फॉर्मूला आगे के लिए कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ये रिलेटिव काम करता है, आपको भी कैलकुलेशंस ठीक नहीं लग रही होंगी, धीरे धीरे जैसे हमारी कैलकुलेशंस पूरी होती जाएंगी ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेगा। ये देखिए, और यहां पर एक और हमें कॉपी पेस्ट करना रह गया है, तो आइए यहां भी कॉपी पेस्ट करते हैं। ये देखिए,
मैंने जैसे ही सभी सेल्स पर अप्लाई किया, सभी कॉलम्स में अप्लाई किया, तो मेरा अमाउंट निकल कर आ गया। एक बार समझी, 1100 मेरे सेकेंड ईयर के बिगनिंग में, 1000 मैंने डिपॉजिट इस साल कराई और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ये देखिए फॉर्मूला बार में भी दे सकती है, B7 प्लस C7 पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये मैंने इनिशियल अमाउंट को, जो मैंने इनिशियल अमाउंट था प्लस जो मैंने इस साल डिपॉजिट कराया था उसको मैंने लेस कर दिया, मेरा इंटरेस्ट आ गया 210 टोटल अमाउंट इन द अकाउंट, और यही अमाउंट मेरा थर्ड ईयर का ओपनिंग अमाउंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा, एक्सेल के अंदर हम अपने खुद फॉर्मूले बनाकर हमने किया, और आइए इसका एक्सेल के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है वहां पर फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उसको समझते हैं। इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला FV के नाम से फीड है, तो मैं यहां पर FV को डबल क्लिक करती हूं। पहले पूछते रेट, इससे पहले हम एक काम और करें, ये एक बार देखें FV पर, ये मैंने FV जब क्लिक किया और इसमें मैं कर्सर लेकर आती हूं, तो एक बार हम ये चेक करें क्या कहते हैं, रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कॉन्स्टेंट पेमेंट एट ए कॉन्स्टेंट रेट। यानी इसकी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो सेम पीरियड के गैप पर हो, और पेमेंट भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्स्टेंट हो, जैसे हमारे पास यहां पर हर साल 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो कॉन्स्टेंट हो, तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, हमारे से पूछ रहा है रेट, रेट हमारे पास फीड है यहां पर, मैं यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूं, कोमा, आगे हमारे से पूछ रहे पीरियड्स NPR, NPR हमारे पास है 10 नंबर ऑफ पीरियड्स, और PMT जो हम हर मंथ हर ईयर डिपॉजिट करा रहे हैं, तो यहां पर हमें साथ में माइनस का साइन लगाना है क्योंकि अमाउंट जा रहा है, और हमने इसको B3 से इस अमाउंट को हमने टाइप कर रखा था, यहां से हम ले लेते हैं कोमा। आगे पूछते हैं PV, फ्रेंड्स ये PV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू के मीनिंग मैंने यहां पर लिखा है PV इन द फॉर्मूला रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर इन द अकाउंट हैज सम इनिशियल वैल्यू अदर देन जीरो व्हेन द सीरीज ऑफ डिपॉजिट इज मेड, इन दिस एग्जाम्पल दिस विल बी लेफ्ट ब्लैंक विच इंडिकेट्स द इनिशियल अकाउंट वैल्यू जीरो, के हमारे पास पहले से यहां पर अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं था, तो इसको जीरो देने के लिए मैं सिर्फ एक बार कोमा लगा देती हूं, कोमा लगाने से अपने आप ये सेल की वैल्यू PV की जीरो हो जाएगी। आगे कह रहे टाइप, यहां पर हमें इंडिकेशन भी दे रहा है एंड ऑफ पीरियड इन्वेस्टमेंट जा रही है या बिगनिंग ऑफ पीरियड, हमारी जा रही है बिगनिंग ऑफ पीरियड, तो यहां से मैं 1 ले लूंगी, एंड ऑफ पीरियड है तो हमें टाइप करना 0, अगर बिगनिंग ऑफ पीरियड है तो हमें लेना 1, और हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी इस अमाउंट से, देखिए बिल्कुल इक्वल है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा है हमने, क्या कंडीशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ पीरियड्स जो हमारा डिपॉजिट जा रहा है वो सेम गैप पर होना चाहिए, और जो एनुअल डिपॉजिट है वो अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए, तो हमारा FV का फॉर्मूला काम करता है। दोनों कंडीशंस है इसमें, अगर हम बिगनिंग पर डिपॉजिट करते हैं हर ईयर के तो हमें 0 सिलेक्ट करना है, अगर हम एंड पे करते हैं तो 1 सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने सीखा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना विद एनुअल डिपॉजिट्स। फ्रेंड्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक अवेलेबल है, आप जाकर वहां से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू माई फ्रेंड्स।